आज हम पढ़ेंगे रेशम कीट पालन, जिसको कहा जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन, ये सभी वीडियो आप देवेंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री विजयनगर के द्वारा सुन रहे हैं। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर पाठ संख्या 10 का ये टॉपिक है, रेशम कीट पालन। तो आपने याद रखना है, वह कीट जिससे रेशम के समान धागा प्राप्त होगा उसे कहते हैं रेशम कीट। हमसे पहले पूछे कि रेशम कीट होता क्या है, तो वह कीट जिससे रेशम के समान धागा प्राप्त हो उसे रेशम कीट कहते हैं। रेशम कीट पालन को कहा क्या जाता है, सेरीकल्चर। फिर आपने याद रखना है कि रेशम कीट पालन जो है वो सहतूत के पौधे पे किया जाता है, सहतूत की पत्तियों पे किया जाता है, और इसकी प्रमुख प्रजाति जो होती है रेशम कीट की वो होती है बॉम्बिक्स मोराई। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। दो नंबर चीज हमने पढ़ा, रेशम कीट कौन सा होता है जिससे किसके समान धागा प्राप्त होगा, रेशम के समान। फिर हमने पढ़ा कि रेशम कीट पालन कहाँ पे किया जाता है, सैतूत की पत्तियों पर। फिर इसकी प्रमुख प्रजाति बॉम्बिक्स मोराई। अब आपको तीन चीजें याद रखना है कि रेशम कीट आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है, इसका वर्ग है लेपिडोप्टेरा, और इसका गण है इंसेक्टा। इंसेक्टा में कीट वगैरह आते हैं, इंसेक्ट्स। संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग लेपिडोप्टेरा और गण इसका है इंसेक्टा। फिर आपने याद रखना है कि भारत में एक वर्ष के अंदर इसकी 2 से 7 प्रजातियां या पीढ़ियां तैयार कर ली जाती है। एक वर्ष में इसकी 2 से 7 पीढ़ियां तैयार कर ली जाती है। फिर आपने याद रखना है कि रेशम कीट एक अंडज जीव है। अंडज क्या होता है, जो अंडे देता है। रेशम कीट एक अंडज जीव है जो क्या देगा, अंडे, और इसके अंडे से निकलते हैं लार्वा। लार्वा को क्या कहा जाता है, इस लार्वा को कैटरपिलर। तो याद रखना है रेशम कीट एक अंडज जीव है, इसके अंडे से लार्वा निकलेगा, उस लार्वा को क्या कहेंगे, कैटरपिलर। फिर याद रखना, इस लार्वा में एक जोड़ी लार ग्रंथि होती है, सलाइवरी ग्लैंड। इस लार ग्रंथि को कहा जाता है रेशम ग्रंथि। लार्वा में एक जोड़ी लार ग्रंथि है और इस लार ग्रंथि को क्या कहा जाता है, रेशम ग्रंथि। जब ये रेशम ग्रंथियां पूर्ण विकसित हो जाती है तो ये लार्वा के आकार से 5 गुना लंबी हो जाती है। जब ये रेशम ग्रंथि पूर्ण विकसित हो जाएगी तो लार्वा के आकार से कितना बड़ा हो जाएगी, 5 गुना। और इन रेशम ग्रंथियों से रेशम का स्रवण जो होता है वो द्रव के रूप में होता है, और जब ये द्रव रेशम हवा के संपर्क में आता है तो कैसा हो जाता है, ठोस हो जाता है। वापस रिपीट कर लेते हैं इतना, फिर आगे पढ़ेंगे। रेशम कीट पालन, रेशम कीट क्या होता है को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। रेशम कीट क्या है, जिससे किसके समान धागा प्राप्त हो, रेशम के समान। फिर रेशम कीट पालन कहाँ किया जाता है, सैतूत के पौधों पर। फिर रेशम कीट की प्रमुख प्रजाति कौन सी हुई, बॉम्बिक्स मोराई। फिर आपने याद रखना है रेशम कीट आर्थ्रोपोडा संघ का है, लेपिडोप्टेरा वर्ग का है और इंसेक्टा गण का है। तो आपने एक ट्रिक याद रखना है, ALE, A फॉर आर्थ्रोपोडा, L फॉर लेपिडोप्टेरा, E फॉर या I फॉर इंसेक्टा वर्ग का होता है भाई। तो आपकी ट्रिक क्या बन गई, ALI। फिर आपने याद रखना है भारत में एक वर्ष में इसकी 2 से 7 पीढ़ियां तैयार की जाती है। रेशम कीट अंडज जीव है, अंडे देता है, अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। फिर इस लार्वा में होती है एक लार ग्रंथि जिसे कहते हैं रेशम ग्रंथि। जब ये लार ग्रंथि पूर्ण विकसित हो जाती है तो लार्वा से 5 गुना लंबी हो जाती है। रेशम कीट रेशम का स्रवण करता है किस रूप में, द्रव रूप में, और हवा के संपर्क में आकर ये क्या हो जाता है बेटा जी, ठोस हो जाता है। तो आज हम देवेंद्र बाल भारती की क्लास 10 का रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। रेशम कीट का लार्वा, जो लार्वा निकला था कैटरपिलर, जब वो पूर्ण विकसित हो जाता है तो इसकी लंबाई लगभग हो जाती है 7.5 सेंटीमीटर, सेमी हो जाती है। पूर्ण विकसित हो जाएगा लार्वा तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर। अब याद रखना, जब इस लार्वा की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है तो यह भोजन करना बंद कर देता है।
लार्वा भोजन करना बंद कर देता है जब इसकी लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है और अपने चारों ओर रेशम का स्तरण करने लगता है, यानी अपने चारों ओर एक आवरण बना लेता है रेशम का स्तरण करके और स्वयं को इस आवरण में कर लेता है बंद। जब इसकी लंबाई, जब यह पूर्णिच्छित होगा तो लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, भोजन करना बंद और अपने चारों ओर किसका निर्माण, रेशम स्रवित करेगा और एक आवरण बना लेगा। इस आवरण को कहते हैं क्या बेटा जी, कोकून। अपने चारों ओर जो लार्वा स्रवित करके रेशम स्रवित करके आवरण बनाएगा और अपने को बंद करेगा उस आवरण को क्या कहेंगे, कोकून। और कोकून के अंदर बंद इस निष्क्रिय लार्वा को कहेंगे हम क्या, प्यूपा। तो जब वो भोजन बंद करेगा तो अपने चारों ओर रेशम का स्तरण करेगा और एक आवरण बना के खुद को उसमें बंद कर लेगा, उस आवरण को तो कहेंगे कोकून और कोकून में बंद इस निष्क्रिय लार्वा को कहेंगे प्यूपा। अब याद रख रहे हैं कि कोकून से, एक कोकून से लगभग हमें कितना धागा प्राप्त हो जाता है, 1000 से 1200 मीटर, जिसका भार लगभग होता है कितना, 1.8 से लेकर 2.2 ग्राम। एक कोकून से हमें 1000 से 1200 मीटर लंबा धागा प्राप्त होता है जिसका वजन होता है 1.8 से 2.2 ग्राम। अब ये रेशम का जो धागा होता है ये बड़ा किसका होता है, प्रोटीन का, और दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो रेशम का धागा प्रोटीन का बना होता है। इस रेशम के धागे का जो बाहरी भाग होता है, बार बार वाला भाग होता है, वो फाइब्रिन प्रोटीन का बना होता है और जो भीतरी भाग होता है वो सेरीसीन प्रोटीन का बना होता है। रेशम का धागा प्रोटीन से बनता है, बाहरी भाग फाइब्रिन से, भीतरी भाग सेरीसीन से। फिर सबसे पहले रेशम कीट पालन शुरू कहां पे हुआ, चीन में। चीन से कहां पे आया, भारत में। और याद रखना, भारत का वर्तमान में चीन व जापान के बाद रेशम कीट पालन में द्वितीय स्थान, सॉरी तृतीय स्थान है। और रेशम कीट पालन को कौन सा कल्चर कहा था हमने, सेरी कल्चर। तो वापिस से पढ़ते हैं हम, रेशम कीट का लार्वा जब पूर्ण विकसित हो जाएगा तो लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, भोजन करना बंद, अपने चारों ओर रेशम का स्त्रवण जिसे कोकून कहेंगे और खुद को कोकून में क्या कर लेगा, बंद। तो इस आवरण को तो क्या कहा हमने, कोकून, और कोकून में बंद इस निष्क्रिय लार्वा को क्या कहा, प्यूपा। एक कोकून से 1000 से 1200 मीटर लंबा धागा प्राप्त होगा, भार होगा 1.8 से 2.2 ग्राम। फिर हमने पढ़ना है रेशम का धागा प्रोटीन का बना होता है, कौन कौन से, बाहरी भाग फाइब्रिन प्रोटीन और भीतरी भाग सेरीसीन प्रोटीन। रेशम पाल कीट पालन सबसे पहले कहां पे किया गया, चीन में। फिर चीन के बाद भारत में आया, भारत का वर्तमान में चीन व जापान के बाद कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ठीक है जी।